देश का नया संसद बनकर तैयार है। 28 मई को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन सवाल है कि देश का नया संसद दिखता कैसा है। 10 दिसंबर 2020 को संसद के नए भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स ने रिकॉर्ड समय से पहले किया है। यह केंद्र की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजनाओं का एक हिस्सा था। नया संसद बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च आया। इसकी डिजाइनिंग गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है। नए संसद भवन के लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने के लिए स्पेस है, वहीं राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। ऐसा भविष्य में सांसदों की संख्या की वृद्धि को ध्यान में रखकर किया गया। इसके अलावा दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के लिए एक अलग हॉल बनाया गया है, जिसमें 1280 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। अब संसद का नया भवन भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को और समृद्ध करने का काम करेगा। यह इमारत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जो सदस्यों को अपने काम को बेहतर ढंग से करने में मदद करेगा।